आज हम लोग क्या जानेंगे, द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस कितना भाग है सेंटेंस का, काइंड ऑफ सेंटेंस कितना तरह का सेंटेंस होता है। तो चलिए जानते हैं द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, दे आर गोइंग टू पार्क, शी हैज रिटन हर होमवर्क। ए इस सारा का सारा सेंटेंस कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग बोल रहा है, इसलिए यह सब सेंटेंस है। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस का कितना पार्ट्स होता है, कितना भाग होता है। ए सेंटेंस हैज थ्री पार्ट्स, कितना पार्ट्स होता है, तीन पार्ट्स होता है, थ्री भाग, तीन भाग सेंटेंस का। देयरफॉर जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी राइट्स ए लेटर, शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, राइट्स यहाँ पर वर्ब, ए लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। वर्ब और ऑब्जेक्ट को प्रेडिकेट कहते हैं। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही होता है, और वर्ब और ऑब्जेक्ट को प्रेडिकेट कहते हैं। नेक्स्ट, काइंड ऑफ सेंटेंस, कितना तरह का सेंटेंस होता है। देयर आर फाइव काइंड ऑफ सेंटेंस, कितना तरह का, पांच तरह का सेंटेंस होता है। जैसे देयरफॉर, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये पांच तरह का सेंटेंस होता है। फर्स्ट हम लोग जानेंगे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे, ए सेंटेंस विच मेक ओनली ए स्टेटमेंट। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस विच मेक ओनली ए स्टेटमेंट। इट इज टू टाइप्स, कितना तरह का है, दो तरह का, टू टाइप्स, इट इज टू टाइप्स, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट वाला क्या है, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, एंड नेक्स्ट वाला क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग फर्स्ट जानेंगे अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस क्या है। जैसे अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस विच मेक ओनली ए पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक सेंटेंस जो पॉजिटिव स्टेटमेंट देता हो। एग्जाम्पल, ही राइट्स ए लेटर, दे प्ले फुटबॉल, शी गोज टू स्कूल, ये सारा का सारा पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, ए सेंटेंस विच मेक ओनली ए नेगेटिव स्टेटमेंट, ए सेंटेंस विच मेक ओनली ए नेगेटिव स्टेटमेंट। एग्जाम्पल, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, शी डज नॉट राइट हर होमवर्क, दे हैव नॉट रीड दिस लेसन। इस सारा का सारा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में बोल रहे हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलने से क्या है, ए सेंटेंस विच आस्क ए क्वेश्चंस और एंड्स विद ए इंटरोगेशंस मार्क। ए सेंटेंस विच आस्क ए क्वेश्चंस और एंड विद ए इंटरोगेशंस मार्क। एग्जाम्पल, Is she going to school? What is your name? Where are you going? Do you
लाइक पिक्चर, ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट इम्पैरेटिव सेंटेंस, थर्ड वाला क्या है? इम्पैरेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एक्सेट्रा। इम्पैरेटिव सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, ओपन द डोर, रिंग द बेल, ये दोनों ही ऑर्डर दे रहे हैं। नेक्स्ट, प्लीज गिव मी ए पेन, काइंडली हेल्प मी दिस टाइम, ये दोनों सेंटेंस रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज और काइंडली होने से हम लोग रिक्वेस्ट में आता है। नेक्स्ट, ओबे आवर, ओबे योर पेरेंट्स, वर्क हार्ड इफ यू वॉन्ट टू पास, ओबे ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, वर्क हार्ड इफ यू वॉन्ट टू पास, ये दोनों ही सेंटेंस एडवाइस कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फोर नंबर क्या है, क्या बोल रहा है इसमें? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलने से क्या है? ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स, सोरो और जॉय। एग्जाम्पल, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, अलास He has died. No more. Oh, it is a beautiful sight. Hooray! I have passed in the exam. Alas, he has failed. Next, optative sentence. Optative sentence में क्या बोल रहा है? क्या आएगा? Five number optative sentence. ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलने से, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए प्रेयर, विश और डिजायर, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए प्रेयर, विश और डिजायर। एग्जाम्पल, गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, वुड दैट आई वेयर ए किंग, वुड दैट माई फादर्स वेयर ए रिच मैन, ये सारा का सारा प्रेयर कर रहा है या विश कर रहा है, इसलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएंगे। नेक्स्ट पर्सन, सेंटेंस पढ़ने के लिए या फिर ग्रामर जानने के लिए पर्सन को भी जानना जरूरी है, तो हम लोग सेंटेंस पढ़ लिए, अभी पर्सन जानेंगे। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन, पर्सन कितना तरह का है? तीन तरह का होता है। देयरफॉर जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई, मी, माय, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, इट, देयर, देम, एनीथिंग्स और पर्सन इन द वर्ल्ड। ये सारा का सारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन में आता है। तीन तरह का पर्सन, काइंड ऑफ पर्सन, थ्री, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन। नेक्स्ट, तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े हैं सेंटेंस में, इसमें हम लोग क्या जाने हैं? द सेंटेंस, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, द पर्सन, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जाने हैं। तो हम लोग क्या क्या इसमें जाने? द सेंटेंस, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, द पर्सन। थैंक यू।